हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरएसी टेक्निशियल हेल्प यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ये जो फ्रिज आप देख रहे हैं, ये एएसएफएफ रेफ्रिजरेटर है। ये एलजी कंपनी का है। ये सिंगल डोर जो रेफ्रिजरेटर रहता है, उस रेफ्रिजरेटर से थोड़ा अलग इसका सिस्टम है, तो आपको मैं दिखा देता हूँ अलग क्या है इसमें। इसमें मैं अभी टेम्परेचर मीटर लगाया हुआ हूँ, जो मेरा माइनस में जा रहा है, अब 3 डिग्री सेल्सियस में है, तो धीरे धीरे ये माइनस में पहुंच जाएगा। जो अलग चीज है इस फ्रिज में, वो आपको दिखा दे रहा हूँ मैं। ये जो कूलिंग कॉयल आप देख रहे हैं, ये कूलिंग कॉयल इसके अंदर है, प्लेट टाइप कूलिंग कॉयल, और ये पूरा बॉडी से कवर हुआ है। इसमें आइस आएगा, ये देखिए आप, आइस फ्रॉस्ट आ चुकी है। अगर इसमें आपको कूलिंग कॉइल लीकेज का अगर प्रॉब्लम है, तो आपको ये पूरा उखाड़ के कूलिंग कॉइल दोबारा से लगा के, ये जो फोम रहता है वो लिक्विड, उसको आप बना के इसमें आपको डालना पड़ेगा, तो ये फ्रिज रेडी हो जाएगा। और अगर इसका वायरिंग के बारे में बात करें, तो सिंगल डोर फ्रिज का जैसा ही है। यहाँ पर आपका बल्ब है, यहाँ पर थर्मोस्टेट है जो टेम्परेचर कंट्रोल करता है, कूलिंग हाई या कम, जैसे मिनिमम, नॉर्मल, मैक्सिमम। और इधर आपका डोर स्विच, और आपको मैं कंप्रेसर दिखा रहा हूँ अभी। ये 180 लीटर का रेफ्रिजरेटर है, एलजी का कंप्रेसर है। यहाँ पर रिले ऑयल भी है, और ये जो कंप्रेसर है 53 का, जो हेवी क्वालिटी का कंप्रेसर है, अच्छा कंप्रेसर। ये हमारा फील्ड टायर, वायरिंग आपको सब कुछ सेम मिलेगा। और अगर हम इसमें गैस की बात करें, तो 134 है इसकी गैस है। इसमें कुछ प्रॉब्लम अलग था, जो यहाँ पर जो ड्रेन पानी गिर गिर के इसका ट्रे नहीं था, तो ये जो बेस है कंप्रेसर का, ये पूरा टूटा हुआ, तो रिपेयर हो चुकी है। अब ये कस्टमर को डिलीवरी हो जाएगा। अगर इसमें कोई आपको वायरिंग के बारे में या कुछ भी पूछने का, अगर कोई भी आपका सवाल है इस फ्रिज के बारे में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर इसकी इनपुट करंट की बात करें, तो ये एम्पियर आपका 0.70 या मैक्सिमम 80 लेगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और ये आप कंडेंसर देख लीजिए, कंडेंसर आपका 11 लाइन वाला कंडेंसर है, जो अवेलेबल मिलता है। और फ्रिज का ब्रांड की बात करें, तो ये एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का है। बाकी बिल्कुल सब सेम ही है, लेकिन इस टाइप का फ्रिज इंडिया में अवेलेबल ज़्यादा नहीं है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।